क्लास आवर टुडेज न्यू टॉपिक इज रिलेटिव डेंसिटी। सो हाउ वी डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज योर रिलेटिव डेंसिटी। इट मीन्स क्लास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यू कैन टेक एनी सब्सटेंस हियर एंड इफ यू डिवाइड दैट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर देन यू कैन इजिली फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड रिलेटिव? क्लास दिस वर्ड कम्स फ्रॉम रिलेशन एंड हेयर इन दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दैट सब्सटेंस टू द वाटर। सो हाउ वी रिलेट और हाउ वी मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस एंड वाटर, फॉर दैट वी यूज दिस फॉर्मूला। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स ऑलवेज रिमेन अनचेंज। सो दिस इज योअर डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड क्लास इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस देन यू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ आयरन एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन सपोज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो वट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन? द डेंसिटी ऑफ आयरन दैट इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आर कैंसल। सो योर रिलेटिव डेंसिटी इज 7.8 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 7.8। सो यू कैन सी हियर क्लास रिलेटिव डेंसिटी इज एक्चुअली अ नंबर और वी कैन से अ न्यूमेरिक वैल्यू विच हैज नो यूनिट। इट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन दैट इज 7.8, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस? द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला और मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी मीन्स डेंसिटी ऑफ आयरन इज सेवन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर बट इट इज 7.8 टाइम्स मोर देन वाटर। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड आयरन। सपोज क्लास यू हैव सम अदर सब्सटेंस एंड हुज रिलेटिव डेंसिटी सपोज 17.6। सो वट इज द मीनिंग ऑफ दैट? द मीनिंग इज डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 7.6। इट मीन्स क्लास दैट सब्सटेंस इज 17.6 मोर डेंस देन वाटर। सो यूअर रिलेटिव डेंसिटी गिव्स यू द एग्जैक्ट फॉर्मूला by which you can calculate the density of substance. It means if I am talking about your relative density is 8.6, the meaning is that substance contain 8.6 more dense or more density than water. Hope you all understand the relative density. So class, after this, you all know relative density equal to density of substance upon density of water. So there are one more formula for relative density. So how we find that? For that, density of substance. So density equal to mass upon volume. So density of substance means class mass of substance upon volume of substance. It means m1 upon v1. So in the place of density of substance, we can put m1 upon v1. And density of water, that is m upon v again, mass of water upon volume of water. So suppose your mass of water is m2 and volume of water equal to v2. But here class, it's important to understand and remember it. Whenever we want to calculate the relative density, volume of water and substance should be same. It means V1 equal to V2. What is the meaning of that class? Whenever we want to calculate the relative density of any liquid. So I told you earlier, we cannot calculate relative density without water. So whenever we want to calculate the volume
दैट वॉल्यूम शुड बी सेम. सो आइदर इट्स योर वॉटर और आइदर इट्स योर सब्सटेंस, बोथ द वॉल्यूम शुड बी सेम, देन यू कैन ओनली कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी. सो वी वन इक्वल टू वी टू, इफ वी वन इक्वल टू वी टू, सो कैन आई पुट इन द प्लेस ऑफ वी वन, कैन आई पुट वी टू, बिकॉज वी वन इक्वल टू वी टू. सो आवर फॉर्मूला इज एम वन अपॉन वी टू अपॉन एम टू अपॉन वी टू. सो नाउ रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू एम वन अपॉन वी टू, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एम टू अपॉन वी टू. सो यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट इट, एम वन अपॉन वी टू इन टू वी टू अपॉन एम टू. सो वी टू एंड वी टू कैंसिल, द आंसर इज एम वन अपॉन एम टू. सो दिस इज द न्यू फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू. एम वन मीन्स क्लास, एम वन मीन्स मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर. एम टू मीन्स मास ऑफ वाटर. सो थ्रू दिस ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी. इट मीन्स क्लास, इफ यू हैव गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इफ यू नो द मास ऑफ वाटर, देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. बट क्लास इट्स इम्पॉर्टेंट यू नो हेयर वी वन इक्वल टू वी टू. इट मीन्स your mass, your relative density is equal to mass of substance upon mass of water, but your volume should be same. It means whatever you take the volume of substance, you have to take the same volume of water there. Then you can easily calculate the relative density. So suppose if I am talking about the volume 1 V cm³. So what is our formula? Mass of V centimeter cube of substance upon mass of V centimeter cube of water. So this is our formula. So in the place of V, you can take any volume class, either it's 10 centimeter cube. So here also you use 10 centimeter cube. If you use 20 centimeter cube of substance, then you have to put 20 here also. It means your volume should be same in both the substance and water.